Welcome to स्कॉलर्स Academy Maths by संजय सर। आज हम करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जिनका हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हाई कोर्ट के लिए और UPPCL के लिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामनाथ कोविंद जी। भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? के वेणुगोपाल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार 2017-18 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी होगी? 7.3%। किस देश ने गुलदाउदी फूल की एक नस्ल का नामकरण नरेंद्र मोदी के नाम पर मोदी किया है? इजराइल। ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक 4G इंटरनेट स्पीड किस टेलीकॉम ऑपरेटर की है? रिलायंस जियो। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अचल कुमार ज्योति। G20 शिखर सम्मेलन 2017 का आयोजन किस शहर में किया गया? हैमबर्ग जर्मनी। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 100 मीटर में कांस्य पदक जीता? दुती चंद। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST लागू कर दिया गया है 1 जुलाई 2017 से। भारत में GST लागू करने का सुझाव दिया था विजय केलकर समिति ने। सर्वप्रथम GST बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत GST परिषद का गठन किया गया है? अनुच्छेद 279। GST परिषद में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या 33 है। वह संविधान संशोधन जिसके तहत GST पारित किया गया है 122वां संविधान संशोधन और 101 एक्ट के तहत। GST में समाहित कुल अप्रत्यक्ष कर तथा अधिभार सेस की संख्या क्रमशः कितनी है? 17 अप्रत्यक्ष कर है तथा 23 अधिभार। GST बिल पर राज्यसभा तथा लोकसभा ने क्रमशः पारित किया था। राज्यसभा ने 3 अगस्त को, लोकसभा ने 8 अगस्त 2016 को। GST बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दिया 8 सितंबर 2016 को। GST बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य असम, भारत का एकमात्र राज्य जहां GST के बाद में लागू हुआ जम्मू कश्मीर। GST लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस 1954 में। वार्षिक टर्नओवर की वह सीमा जिसके ऊपर कारोबारियों को GST का पंजीकरण व भुगतान कराना होगा 20 लाख, विशेष राज्यों में 10 लाख। GST पंजीकरण संख्या में कुल डिजिट हैं 15 डिजिट। GST चोरी करने पर कितने वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है? 5 वर्ष का प्रावधान है। राज्यों को GST से होने वाले नुकसान का कितने वर्षों तक केंद्र 100% भरपाई करेगा? 5 वर्ष तक। GST की दरें कौन कौन सी हैं? 0%, 5%, 5 प्रकार की हैं, 12%, 18% और 28%। तो ये 5 प्रकार की हैं, 0, 5, 12 और 18। GST लागू होने के बाद GDP में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? 2% अनुमान लगाया गया है। GST के प्रकार 3 प्रकार की होती हैं,
SGST, CGST और IGST। SGST स्टेट GST, C फॉर सेंट्रल GST और I फॉर इंटीग्रेटेड GST। और GST का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। GST किस प्रकार का कर है? एक अप्रत्यक्ष कर है, बहुस्तरीय गंतव्य आधारित है, इनडायरेक्ट टैक्स है ये। वे प्रमुख वस्तुएं तथा सेवाएं जो GST के दायरे से बाहर हैं, शराब एवं पेट्रोलियम वस्तुएं तथा शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं। वह देश जिसके नागरिक सर्वाधिक विदेशी नागरिकता प्राप्त करते हैं, भारत। वर्ष 2019 के लिए यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया है, शारजा, संयुक्त अरब अमीरात। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, अचल कुमार ज्योति। अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है, लखनऊ। देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है कानपुर में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रारंभ किया गया था 15 जुलाई 2015। हॉल के डोंगलोंग डोकाला विवाद का संबंध है भारत, चाइना, भूटान। माई लाइफ इन पब्लिक सर्विस किसकी रचना है? वाई वी रेड्डी। स्वयं तथा स्वयं प्रभा योजना का संबंध है ई शिक्षा से। भारत का वह शहर जिसे हाल में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर में सम्मिलित किया गया है, अहमदाबाद, गुजरात। स्किल इंडिया मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है प्रियंका चोपड़ा को। छात्रों को वैज्ञानिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा CSIR का संयुक्त कार्यक्रम जिज्ञासा कार्यक्रम शुरू किया गया है। कहाँ पे कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? जिज्ञासा कार्यक्रम शुरू किया गया है। हाल में चर्चित भैसा गांडी दौड़ कंबाला महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटका। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है पुणे में। गणतंत्र दिवस 2018 के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है आसियान देशों के सभी 10 राष्ट्राध्यक्षों को। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन का गठन हुआ था 8 अगस्त 1967 को। आसियान का मुख्यालय स्थित है जकार्ता। आसियान के सदस्यों की संख्या है 10। भारतीय संविधान में महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 76(1)। 21वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है अचल कुमार ज्योति। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 324(2)। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। G20 ग्रुप का गठन हुआ था सितंबर 1999। इसराइल का वह स्थान जहां पर भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल के दौरे में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद भारतीय सैनिकों के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। हाइफा।
अल्पसंख्यक समुदाय के युवकों के तरक्की के लिए भारत का प्रथम गरीब नवाज कौशल विकास केंद्र स्थापित किया गया है हैदराबाद में। पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना शुरू करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। 6 जुलाई 2017 को भारत ने स्वयं को बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा मुक्त घोषित किया गया है। इसका कारक वायरस था H5N1। वह राष्ट्रीय उद्यान जहां विश्व का लगभग 70% एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है काजीरंगा, असम राज्य। मक्का आधारित देश का प्रथम मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है कपूरथला पंजाब। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की वह जनजाति जिसका आपत्तिजनक वीडियो YouTube पर डालने पर भारत सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जारवा वह राज्य जिसने एकीकृत हस्तशिल्प विकास तथा प्रोत्साहन योजना शुरू की है उत्तराखंड। थेल्स रक्षा कंपनी जिसने हाल में रिलायंस डिफेंस के साथ मिहान नागपुर में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने की घोषणा की किस देश की है? फ्रांस देश की। वह भारतीय जिसे जापान ने पर्यावरण पुरस्कार 2017 प्रदान किया है हरिश्चंद्र घटगी। विश्व की पहली ग्रीन सिटी बनाया जा रहा है लियुझाओ चाइना। प्रथम संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2017 का आयोजन किया गया है न्यूयॉर्क। फोर्ब्स ग्लोबल सूची 2017 के अनुसार विश्व तथा भारत की सबसे शक्तिशाली कंपनियां क्रमशः हैं ICBC चाइनीज बैंक तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज। वह राज्य जिसने हाल में अलग से कृषि बजट पेश करने का निर्णय लिया है तेलंगाना। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रमुख जिला मार्गों के निर्माण हेतु एशियाई विकास बैंक से कितनी धनराशि के लिए समझौता किया है? 2782 करोड़। मालाबार 2017 सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले देश हैं भारत, अमेरिका और जापान। भारत में विवाह पंजीकरण को अनिवार्य करने का सुझाव दिया गया है विधि आयोग 217वीं रिपोर्ट में। वह देश जहां हाल में 3000 लोगों ने एक साथ योग करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है मलेशिया, क्वालालंपुर में। मच्छरों के लार्वा भक्षी मछलियों की प्रजाति है गंबूशिया तथा रेटिकुलेट्स। फीडिंग इंडिया के संस्थापक वह भारतीय जिसे भुखमरी तथा कुपोषण उन्मूलन में उल्लेखनीय योगदान के लिए ब्रिटेन द्वारा यंग लीडर पुरस्कार 2017 दिया गया है अंकित कवत्रा। भारतीय मूल के अमेरिकन नागरिक जिन्हें अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस पर ग्रेट इमिग्रेंट पुरस्कार 2017 दिया गया है शांतनु नारायण तथा विवेक मूर्ति। मैत्री 2017 सैन्य अभ्यास किस देश के साथ चंबा हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया? थाईलैंड। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है 1 जुलाई को। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान है 23वां। वह भारतीय कंपनी जिसने एशिया, अफ्रीका, यूरोप के लिए विश्व की सबसे लंबी केबल तार प्रणाली बिछाने का निर्णय लिया है रिलायंस जियो। वह लेखिका जिसे इंडियन ऑफ द ईयर 2017 से सम्मानित किया गया है प्रीति चिनॉय। इट्स ऑल इन द
प्लैनेट्स किसकी रचना है? प्रीति शिनॉय। स्वयं तथा स्वयं प्रभा योजना का संबंध है शिक्षा से। भारत का वह शहर जिसे हाल में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर में सम्मिलित किया गया है? अहमदाबाद, गुजरात। स्किल इंडिया मिशन का ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है। छात्रों को वैज्ञानिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय तथा CSIR का संयुक्त कार्यक्रम शुरू किया गया है जिज्ञासा। यदि आप चाहते हैं कि मैं लगातार आपके लिए फ्री वीडियोज बनाता रहूं, तो सबसे पहले मेरे चैनल स्कॉलर्स एकेडमी मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए तथा उसके बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलती रहेंगी, और लाइक तथा शेयर भी कीजिए, जिससे हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए नए नए वीडियोज बनाते रहें।